देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स हमें चाहिए क्यों होते हैं। क्योंकि काफी हो सकता है आप भी रेजिस्ट करते हो कि नहीं, मैं फिट हूँ और मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, या आप किसी को प्रोडक्ट बताते हो हेल्थ सप्लीमेंट्स के तो वो भी शायद यही बोलते होंगे कि हम फिट हैं, हमें सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, सप्लीमेंट्स एक पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन मिनरल, जो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, एनोटेट मत करिए सर आप। ऑफ कर दिए, डिसेबल कर दीजिए सर आप एनोनेट ना। तो देखिए, पोषक तत्व हर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पोषक तत्व नहीं होंगे हमारी बॉडी में जो पर्याप्त मात्रा में, तो हमें बीमारियां लगने लगेंगी। और सब देखिए, आपने देखा होगा कि पहले जो हमारी पिछली जनरेशन के लोग थे वो काफी फिट रहते थे, लेकिन हम दिन पर दिन जो जनरेशन आगे पहुंची जा रही है, सप्लीमेंट्स की कमी होने की वजह से बीमारियां ज्यादा होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो खाना बनाने का तरीका वो चेंज हो चुका है, माइक्रोवेव यूज हो रहा है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी डाउन हो जाती है, और दूर दूर से सामान आ रहा है उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से उसकी जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी, हम बैठे बैठे कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे या फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी जो पोषक तत्व है वो अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, और जल्दी में रहते हैं, टाइम नहीं होता, जल्दबाजी में कुछ जंक फूड खा लिया, बस हम हमारा पेट भर गया, हमने सोचा हमने खाना खा लिया, लेकिन वो सही मायने में खाना खाना नहीं हुआ। हमने बस अपना पेट भरा है, हमारी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिले। और देखिए, एक और रीजन है कि सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारा जो खेती करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। हर मौसम में आपको बिन मौसम की सब्जियां भी मिलती हैं, और टेस्ट के लिए हम वो खा लेते हैं, लेकिन वो एक यूजलेस होता है उनको खाना, उससे कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। और जो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं वो उसमें वो भी जो उसकी पोषक तत्व की क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन नहीं रख पाती है। तो अगर सप्लीमेंट्स हम लेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत कमी हो जाती है पोषक तत्वों की वो पूरी हो पाएगी, और हम पूरी तरह से फिट रहेंगे। देखने में हमें लगता है कि हम फिट हैं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता, इसी वजह से कहीं किसी पॉइंट पे जाके बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो देखिए, अब मैं सप्लीमेंट पार्ट शुरू करूंगा। तो हर किसी को, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आज की डेट में सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि वो पूरी तरह से फिट रह पाए। तो वेस्टीज एक सीएनटी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। सीएनटी का मतलब है सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब कोशिकाएं पोषक पद्धति। जैसा आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से बनी हुई होती है, और कोशिकाएं मतलब जिसको इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं मतलब टिश्यूज, और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। तो जो एलोपैथिक दवाएं मार्केट में मिलती हैं वो केवल अंगों पे काम करती हैं, कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाता है, और जो लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं वो बार बार होती रहती हैं, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हम कोशिकाओं को स्वस्थ करते हैं। कोशिकाएं अगर आपकी स्वस्थ होंगी तो ऊतक भी स्वस्थ होंगे, ऊतक स्वस्थ होंगे तो आपके अंग भी अच्छी तरह से काम करेंगे और आप पूरी तरह से फिट रहेंगे। तो इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वेस्टीज ने 18 साल से काफी लगातार नए नए सप्लीमेंट्स हमें दिए हैं, जो हमें पूरी तरह से हमें और हमारे पूरे परिवार को फिट रखते हैं। इसी कैटेगरी में सबसे पहली एक कैटेगरी होती है वेस्टीज प्राइम, जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं जो आपको कहीं मार्केट में आसानी से नहीं मिलेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट होता है मेटामाइंड। मेटामाइंड आप 12 साल से ऊपर के किसी भी को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो। ये आपकी माइंड को शार्प करेगा, आपकी फोकस और कंसंट्रेट करने की पावर को सही करेगा। जैसे कोरोना काल में सभी बच्चे और बड़े भी वर्क फ्रॉम होम किया, क्लासेस भी ऑनलाइन करी बच्चों ने, तो उससे उनका फोकस और कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक हो गया। ऐसे में अगर आप मेटामाइंड देंगे तो ये जो पावर उन्होंने लूज करी है, और उनका ब्रेन भी शार्प करेगा और वो फोकस अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये च्यू करना होता है, इसको कोई पानी से लेना नहीं होता, इसको लेना भी बहुत आसान है, केवल आपको च्यू करना है और दिन में एक लेनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न।
सी बकथॉर्न में बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए सी डी ई का कॉम्बिनेशन है, और ओमेगा थ्री फैटी एसिड। एक ओमेगा थ्री फैटी एसिड का भी टर्म यूज होता है काफी मार्केट में, इसमें ओमेगा थ्री सिक्स सेवन नाइन का कॉम्बिनेशन है जो आपको पूरी तरह एनर्जी एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। और देखिए इसके नाम पे मत जाइएगा, नाम से ऐसा लगता है ये सी बकथॉर्न है, मतलब सी फूड होगा। ये 100% वेजिटेरियन कैप्सूल है और ये ठंडी पहाड़ियों में उगाया जाता है, और हमारे सैनिक जो है वो भी इसका सेवन करते हैं जिससे कि उनके उनमें एनर्जी बनी रहे। तो अगर आपको थकान होती है आप ये लीजिए, इससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ट्रेल ऑयल। ट्रेल ऑयल 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। ये हमारे ब्रेन लिवर और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। ये बेसिकली फिश ऑयल के कैप्सूल हैं जो ठंडे पानियों में अंटार्कटिका के ओशन में पाई जाती हैं। झींगा टाइप की छोटी सी फिश होती है और वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है बच्चों के लिए। 5 साल से ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि 5 साल से 10 साल के बच्चों को आपको कैप्सूल नहीं सटकने के लिए देना है, उसमें जो उसको प्रिक करके जो अंदर तेल निकलेगा वो उनके खाने में डाल के आपको देना है, चाहे वो स्पून में ले लें या दाल में या सब्जी में मिला लें। 10 साल से ऊपर के कोई भी है वो उसको आप कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये उनका ब्रेन मजबूत करेगा और लुब्रिकेशन का भी काम करेगा। लुब्रिकेशन का मतलब है कि अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, आप हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आप उनको भी दीजिए, काफी अच्छा काम करेगा। अगला प्रोडक्ट है कॉम्बायोटिक। ये मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स होता है और इसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होता है। एक बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊं, जैसे मार्केट में याकुल्ट मिलता है जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया देने का काम करता है, उससे बेटर कॉम्बिनेशन है हमारा कॉम्बायोटिक। इसमें कैप्सूल के अंदर कैप्सूल होता है, बाहर वाले कैप्सूल में मल्टी विटामिन होते हैं और अंदर वाले कैप्सूल में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक होते हैं जो आपका हाजमा अच्छा करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है। ये प्रैक्टिकली मैंने यूज करा है काफी। अगर जैसे कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम बाहर शादी ब्याह में कुछ खा लिया हमने या बाहर खा लिया, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हमारा पेट खराब हो जाता है। अगर आप ये ले लेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आप रिकवर कर लेंगे बहुत जल्दी। अगला प्रोडक्ट है मल्टी विटामिन गमीज। ये देखिए अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और हो सकता है काफी लोगों ने इसे यूज भी ना किया हो क्योंकि जानकारी नहीं होगी। ये 5 साल से ऊपर के बच्चों को ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। जो बच्चे हैं वो पूरे दिन में एक गमी ले सकते हैं और जो अडल्ट्स हैं वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। देखिए इसकी खास बात क्या है, ये खेल खेल में बच्चों को विटामिन खिलाने का तरीका है। बच्चे नॉर्मली बाहर जेली खाते ही हैं, गमीज खाते ही हैं, लेकिन वो वेस्ट होती है, वो उसमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप मल्टी विटामिन गमीज का ये बॉक्स ला के रखेंगे तो बच्चे खेल खेल में ये खा लेंगे और उनको विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलेगी। और ये बहुत ही आकर्षक कलर्स में और आकर्षक, इसमें 2 टाइप के फ्लेवर हैं अंदर। और जो गमीज बनाई गई हैं वो भी एक कार्टून करेक्टर्स में, मतलब टेडी के शेप में है, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप ये जरूर लीजिए, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अडल्ट्स भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार लीजिए, चबाते रहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। अब देखिए अगली कैटेगरी आती है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यूनिटी बूस्ट, देखिए कोरोना काल से बच्चे बच्चे को एक वर्ड याद हो गया, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो हमें कोई भी बीमारी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसी कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है स्पुलिना, जो बेसिकली समुन्द्र की काई होती है। और हमारी बॉडी को 46 पोषक तत्व चाहिए होते हैं जिसमें से 45 इसमें है। ये धरती का सुपर फूड है और धरती पे सबसे ज्यादा जीने वाला जीव मतलब कछुआ ये इसी का सेवन करता है, तभी वो इतना जी पाता है। और अंतरिक्ष में जो हमारे वैज्ञानिक जाते हैं वो भी स्पुलिना के कैप्सूल ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे देखिए खाना खाना और बनाना बहुत मुश्किल है अंतरिक्ष में। तो कैप्सूल खाने से एक पूरे जो बॉडी को चाहिए होती है वो पोषक तत्व पूरे हमें मिल जाते हैं। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि एक कोई मील स्किप करके
तीन मील मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना, वैसे कोई एक स्किप करके आप स्पुलिना के 2 कैप्सूल भी ले लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी लेकिन आपकी बॉडी को जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा और आपका वजन कम करने में भी फायदा करेगा। अगला प्रोडक्ट है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा में 20 अमीनो एसिड होती हैं, 20 से ज़्यादा होती हैं, और ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी का लिवर कमज़ोर है या हाजमे की प्रॉब्लम है, आप एलोवेरा दीजिए। स्किन इन्फेक्शन है तब एलोवेरा दीजिए। और ये ओवरऑल आपकी अगर किसी को पिंपल्स है उसमें भी, उस केस में भी आप एलोवेरा दे सकते हैं। और देखिए एलोवेरा की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम कोई भी एलोवेरा यूज कर लेते हैं और काफ़ी सारी प्रजातियां हैं एलोवेरा की जो हानिकारक होती हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा की कि ये पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करती है। मतलब आप दिल्ली NCR में जो भी लोग रहते हैं उनको पता है कि दिल्ली NCR में कितना पॉल्यूशन होता है। काफ़ी लोग एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगाते हैं और उसी का जूस निकाल के पीते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है क्योंकि आप एलोवेरा के जूस के साथ साथ पॉल्यूशन भी ले रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रजाति का अनुकूल वातावरण में उगाए जाते हैं एलोवेरा, और उसी के कैप्सूल्स हैं, तो इसका आप सेवन करिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा वेस्टीज आमला, देखिए आमला सभी को पता है कि विटामिन सी से भरपूर होता है, और कोरोना काल में आपने न्यूज़ में देखा होगा जो लोग कोरोना इन्फेक्टेड थे उनको भी बोला गया था कि आप विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जो और ये भी बोला गया था कि जो लोग कोरोना से बचना चाहते हैं वो भी विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहे। तो उन दिनों में आपने देखा होगा कि विटामिन सी की चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी, वो यही रीज़न था, जैसे संतरे मौसमी सब महंगे हो गए थे। तो हम अगर आंवला कैप्सूल लेते तो हमें आंवला की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती। कोई सर्दी जुकाम हो गया है आप आंवला लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एलोपैथिक दवा आपको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज नोनी। नोनी देखिए अनानास प्रजाति का फल होता है जो जिसमें ज़ेरोनाइन एक चीज होती है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इससे होता क्या है कि कभी कभी हमारी कोशिकाओं की छेद बंद हो जाते हैं, उससे जो भी हम खाना खाते हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते, और हमें खाना खाने के बावजूद भी हमें वीकनेस लगने लगती है और हमारी पावर एनर्जी कम हो जाती है। तो उस केस में आप नोनी लीजिए, और ये माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है, और किसी भी टाइप की और आपको वीकनेस लगती है तो आप नोनी लीजिए, काफ़ी अच्छा आराम आएगा। अगला प्रोडक्ट है कोलोस्ट्रॉम। देखिए कोलोस्ट्रॉम भी आप 5 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। गाय जब बछड़ा देती है उसका जो खीस होता है उसके कैप्सूल्स हैं। अगर मौसम चेंज होने की वजह से आप या आपके बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आप कोलोस्ट्रॉम दीजिए। बच्चे अगर कैप्सूल सटक ना पाए, आप कैप्सूल खोल के जो अंदर मिल्क पाउडर सा एक निकलता है वो आप उनको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बच्चे आराम से ले लेंगे। ये मैं भी लेता हूँ, कभी हल्की सर्दी खांसी हो जाती है तो ये कोलोस्ट्रॉम मैं ले लेता हूँ, उससे बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। ये बेसिकली अलसी के तेल के कैप्सूल है, और कैटेगरी देखिए आप, कैटेगरी अब नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट हो रही है प्रो हार्ट, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है अलसी के तेल के कैप्सूल। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एक करेक्ट मात्रा में होते हैं, जिससे अगर आप इसके आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं, ये हम मेरे चैनल पे भी अपलोडेड है, इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थर्माकोल पे अगर आप एक कैप्सूल का जो ऑयल निकलता है वो डाल के देखेंगे तो थर्माकोल जैसी चीज को भी वो पिघला देता है। तो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है या फैटी लीवर होता है, कभी कभी किसी किसी को प्रॉब्लम होती है लीवर फैटी हो गया, लीवर के चारों तरफ फैट जम गया, तो उस केस में ये बहुत रिमार्केबल रिजल्ट है। मैंने काफ़ी लोगों को दिया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन कर देगा। ये मैं रेगुलर लेता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल मेंटेन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10। देखिए कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये बनना बंद हो जाता है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट की जो नलियां हैं उनको, उनके अगर कहीं ब्लॉक हो गया है उसको, ब्लॉकेज को ठीक करता है, और ये हमारे हार्ट के साथ साथ किडनी और मसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 40 साल के ऊपर तो ये हर किसी को लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है LRG9। देखिए काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा
नसें सूज गई हैं, काली पड़ गई हैं, दर्द करने लगी हैं, तो उस केस में आप एलआरजीनाइन दे सकते हैं। ये सैशे फॉर्म में है, रोज एक सैशे लेना होता है पानी में या जूस में। और जो लोग जिम करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जिम पे जिम या वर्कआउट करने से पहले अगर आप ये एलआरजीनाइन का सैशे ले लेंगे तो आपका स्टेमिना बना रहेगा और आपको थकान नहीं होगी वर्कआउट के बाद। इसके बाद फिटनेस एंड डाइट में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वेस्टीज प्रोटीन पाउडर है जो प्लेन फ्लेवर में है, ये बच्चे बड़े आप किसी को भी दे सकते हैं। और खास बात है कि हमारी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होता है ये। और प्रोटीन की देखिए, एक हर किसी को प्रोटीन कितना लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा वजन 50 किलो है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। और देखिए, आजकल बच्चों की बात करें तो बच्चे दाल वगैरह तो खाना पसंद ही नहीं करते हैं, और हमें भी हम भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हमारी प्रोटीन की जो मात्रा हमारी बॉडी में जानी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे। तो ये आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं। आटे में मिला दीजिए, दाल में मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए, टेस्ट तो है ही नहीं लेकिन साथ के साथ आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है एचएमबी। एचएमबी की फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूट्रेट। ये आप जिम में जो जाते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इससे होगा क्या कि आपकी मसल्स अच्छी बनेंगी और आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा, जिससे कि वो फैट, अगर देखिए प्रोटीन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो बॉडी में तो वो फैट बन जाता है और हम फिट दिखने की जगह फैट दिखने लगते हैं। तो ये वेस्टीज एचएमबी अगर आप लेते हैं तो आप स्पेशली जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इससे उनका मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और बॉडी का जो फैट है वो कम होगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगा। ये मार्केट में भी एचएमबी मिलता है कैप्सूल के फॉर्म में, और सब अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें 3 ग्राम एचएमबी लेना चाहिए हर दिन डेली। लेकिन मार्केट में जो मिल रहा है वो 500 mg के कैप्सूल के फॉर्म में मिल रहा है। 500 mg का मतलब है हमें डेली 6 कैप्सूल लेने चाहिए, और ये आपका एक सेशन में ही काम हो जाता है। अब देखिए, दिन भर में 6 कैप्सूल सटकना, उससे अच्छा है कि आप 200 ml पानी में एक सैशे पी लीजिए, आपका काम हो गया। तो आप ये टारगेट करिए, जो भी जिम जाने वाले लोग हैं, अगर आप खुद जिम जाते हैं आप यूज करिए, और आपके जो दोस्त हैं रिलेटिव्स हैं उनको भी ये टारगेट करिए। इसमें पीवी भी बहुत अच्छा है और आपके बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए हमारे 3 प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें सबसे पहला है वीसलिन कैप्सूल, जो आपकी जो खाना खाने की क्रेविंग होती है उसको कम करता है। और ये सुबह सुबह आप 1 या 2 कैप्सूल खाली पेट लेना होता है, इससे बहुत ही अच्छा वेट मैनेजमेंट हो सकता है। वीस्लिम शेक एक बहुत ही अच्छे मैंगो फ्लेवर में होता है। जिनका वजन ज्यादा होता है उनको बोला जाता है कि वो आम ना खाएं, वरना उनका वजन और ज्यादा हो जाएगा। तो ये जिससे आपका जो आम की क्रेविंग होती है वो आप ये वीस्लिम शेक से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वही फ्लेवर मिलेगा, मैंगो फ्लेवर। और इसमें साथ साथ आपको 22 विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, और प्रोटीन और फाइबर भी मिलेगा। इसको लेना कैसे है, आपको तीनों मील में से सुबह का नाश्ता या दोपहर का लंच या रात का खाना, इन तीनों में से कोई एक मील स्किप करिए, उसकी जगह केवल वीस्लिंग शेक लीजिए। आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कमजोरी नहीं आएगी, आपको साथ में साथ विटामिन मिनरल भी मिलेंगे और आपका वेट भी मैनेज हो जाएगा। इसके बाद है वीस्लिम टी। वीस्लिम टी देखिए एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाला ग्रीन टी है, जिसमें ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी और गासिनिया कंबोजिया है इसमें। और जो मार्केट की ग्रीन टी होती है उसमें बहुत कड़वाहट होती है, लेकिन ये एक हनी का फ्लेवर है, हनी और लेमन का, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये अगर आप दिन में एक बार भी पियेंगे, 1 से 2 बार पियेंगे, आपका वेट कंट्रोल होगा। अगली कैटेगरी हमारी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, जिसमें सबसे पहला ग्लूकोसामीन है। देखिए काफी लोग को प्रॉब्लम हो जाती है और आजकल काफी कम एज में भी होने लगी है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस की शिकायत आने लगी है। आजकल 40 साल के उम्र में भी लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने लगी है। तो आर्थराइटिस में होता क्या है, जिसको हिंदी में गठिया बाय बोलते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप नोट करते रहिए, सेशन के एंड में वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे। वेस्टीज ग्लूकोसामीन, आपका जो घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है, चिकनाई होती है, अगर वो खत्म हो जाएगी तो वो बनाने का काम करता है।
खत्म या कम हो जाती है तो वो बनाने का काम करता है। इसके बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट है। आप कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं आपकी जानकारी में, आप उनको ग्लूकोसामीन दीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। इसके अलावा वेस्टीज कैल्शियम, कैल्शियम देखिए आजकल विटामिन डी की भी कमी होने लगी है, बच्चों को भी हो जाती है और बड़ों को भी हो जाती है, तो हमारे जो कैल्शियम में है उसमें विटामिन डी भी है। और खास बात इस कैल्शियम की है कि इसमें सोडियम बिल्कुल नहीं है। मार्केट के सोडियम में, मार्केट के कैल्शियम में सोडियम होता है, जिससे कि अगर हम जरूरत से ज्यादा खा लेंगे कैल्शियम तो पतली बनने की शिकायत हो जाती है। लेकिन हमारा कैल्शियम अगर आप ज्यादा भी ले लेंगे तो आपको पतली बनने की कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कैल्शियम में विटामिन डी भी है, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। मुझे भी वेस्टीज में आने से पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती थी, और मुझे जो मार्केट में एलोपैथिक के कैप्सूल मिलते हैं जेल वाले, वो हर 3 महीने में लेने पड़ते थे। लेकिन जब से मैं वेस्टीज में आया हूँ और मैंने कैल्शियम मैं यूज करता हूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। तो देखिए ये प्रोडक्ट यूज करने से एक और इनकम होगी आपकी, जो आपका डॉक्टर का खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये कहीं भी प्लान में शो नहीं होता ये, लेकिन आप अगर काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना खर्चा डॉक्टर का बचता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोलेजन। देखिए कोलेजन हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है और एक टाइम के बाद वो बनना बंद हो जाता है। ये अगर कोलेजन हम लेते हैं, ये विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें रोज हिप एक्सट्रैक्ट होता है। इससे हमारी जो जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है, उसको ठीक करता है, और मसल्स पेन को भी ये ठीक करता है। कहीं पे भी सूजन आ गई है उसमें भी ये काम करता है। जो भी आर्थराइटिस या जिसको गठिया भाई भी बोलते हैं उसके पेशेंट है तो आप उनको दीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट है। ग्लाइसेमिक हेल्थ, देखिये इंडिया को पूरे विश्व का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट्स इंडिया में ही मिलेंगे। तो उसका सबसे पहला प्रोडक्ट है नीम कैप्सूल। नीम हमारा स्किन प्यूरिफाई करता है और शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है, और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है वेस्टीज स्टीविया। स्टीविया देखिए शुगर फ्री टैबलेट्स होती हैं और मार्केट में भी शुगर फ्री टैबलेट मिलती है, लेकिन मार्केट में उसमें सैचरीन मिला हुआ है, जो जरूरत से ज्यादा अगर हम लेते हैं तो वो बॉडी के लिए हानिकारक है। ये मीठी तुलसी के टैबलेट है जो जिसमें सैचरीन बिल्कुल भी नहीं है, और आप अगर आप ये रेगुलर यूज करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट डेंजरस इफेक्ट नहीं होगा। और देखिए किसी को अगर शुगर भी नहीं है तो आगे के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आगे आपको शुगर ना हो तो आप ये स्टीविया लीजिए, काफी अच्छा है हेल्थ के लिए। इसके बाद अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है प्री ग्लूको हेल्थ। अब देखिए ये पता नहीं किसी ने टारगेट करा है नहीं करा। इसमें जब शुगर होता है तो शुगर में 2 लेवल होते हैं, एक होता है प्री ग्लूको प्री शुगर और एक प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज। तो प्री डायबिटीज लेवल पे एक शुरुआत होती है जिसमें कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे थकान ज्यादा होना या आंखें में झंझनाहट सी होना, पैरों में झंझनाहट होना, ब्लर्ड विजन होना, मतलब ठीक से ना दिखना, इस टाइप की है, और या जरूरत से ज्यादा भूख लगना, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना। तो ये एक बॉडी आपका इंडिकेशन दे रही है कि आपको शुगर होने वाला है। तो ऐसे में हमें जानकारी होती नहीं है और वो करते करते हम नजरअंदाज करते हैं और हमारा फाइनली हम डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटिक में फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपना शुगर लेवल टेस्ट कराइए। अगर आपका शुगर लेवल फास्टिंग जो खाली पेट होता है अगर 100 से 125 आ रहा है तो आप ये प्री ग्लूकोहेल लीजिए। इसका मतलब आपका प्री डायबिटिक आप हो चुके हैं और डायबिटीज आपको होने वाला है। तो पहले ही अगर आप उसको रोक देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप डायबिटिक नहीं होंगे और बहुत जल्दी आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो प्री ग्लूको हेल्थ आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, जिसमें मेथी दाना है और गुडमार है और आईवी गॉट है, जो आपका ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ इसमें प्रोबायोटिक भी है जो आपका हाजमा भी अच्छा करेगा। और जिन लोगों को डायबिटिक हो चुके हैं, 126 से ज्यादा शुगर लेवल है, उसके लिए एक प्रोडक्ट और है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है डिटॉक्स एंड रिज्यूनेशन। डिटॉक्स एंड रिज्यूनेशन देखिए क्या होता है कि हम बाहर से तो नहा धो लेते हैं,
लेकिन अंदर से भी सफाई की जरूरत होती है। जिस टाइप से हमारी कार की भी सर्विसिंग की जरूरत होती है, कार या कोई भी वाहन है सर्विसिंग की जरूरत होती है, उसी टाइप से हमारी बॉडी को भी जरूरत है अंदर से क्लीनिंग की। और देखिए, आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है, आपको इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत है? अगर आपको खुजली हो गई है, कहीं पे खुजली हो गई है, या आपका वजन कम हो रहा है अचानक से या ज्यादा हो रहा है, या आपको कुछ थकान सी महसूस हो रही है, इसका मतलब आपको डिटॉक्स की जरूरत है और आपको इंटरनल सर्विसिंग की जरूरत है। तो सर्विसिंग के लिए प्रोडक्ट्स है वेस्टीज फाइबर, जो आपकी इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और किसी को कब्ज, ये इसके साथ आप पानी जरूर लीजिएगा, ज्यादा पानी लेना होता है, जिससे कि आपकी अंदर से सारी इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी। अगला प्रोडक्ट है डिटॉक्स फुट पैच, ये रात को लगाना होता है। और आपकी रात को अगर आप लगा के सोएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन होंगे, जो भी गंदगी होगी, वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आप सुबह देखेंगे ये बहुत ही काला और बदबूदार होगा ये दिन। अगर आप लगातार 5 दिन लगाएंगे, पहले दिन ज्यादा बदबू होगी, ज्यादा काला होगा, और दिन पर दिन वो कम होता जाएगा, उसकी बदबू भी कम हो जाएगी और उसका कालापन भी कम हो जाएगा। ये दिखाएगा आपको कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते जा रहे हैं और आपकी बॉडी रिजुनेट हो चुकी है। अगला प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा बेसिकली मशरूम होता है, मशरूम, ये लाल रंग का मशरूम होता है। इसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में होता है और ये आपका फुल बॉडी स्कैनर के रूप में काम करता है। देखिए, कभी कभी बीमारियां कुछ लोगों को ऐसी हो जाती हैं जो सारे टेस्ट पॉजिटिव सही आते हैं और तब भी कहीं ना कहीं बीमारी लगती है, तो ये आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर देगा, कहीं पे भी कोशिकाओं में दिक्कत है उसको ये ठीक कर देगा। ये एंटी एजिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जवान दिखना चाहते हैं तो आप गैनोडर्मा लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और पूरी बॉडी को अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देता है। अगला प्रोडक्ट है कर्क्यूमिन प्लस। कर्क्यूमिन प्लस बेसिकली हल्दी में जो कर्क्यूमिन पाया जाता है उसके कैप्सूल है। इससे आपको कहीं पे भी दर्द है या सूजन आई हुई है उसमें आराम देगा। और अगर कैंसर पेशेंट्स को आप देंगे, कैंसर में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कर्क्यूमिन प्लस के साथ आप नोनी और गैनोडर्मा दीजिए, कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही ये रिमार्केबल रिजल्ट देता है। अगला प्रोडक्ट है आई सपोर्ट कैप्सूल। आई सपोर्ट देखिए हमारी विजन को अच्छा करता है। अगर मोतियाबिंद की प्रॉब्लम की शुरुआत हो गई है, आप ये लीजिए आई सपोर्ट कैप्सूल। इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है और आपका जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए, अगर आप फ्यूचर में होने वाला मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी ये खत्म कर देगा, उसके चांसेस खत्म कर देगा। कुछ लोगों को रात में नहीं दिखता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसके लिए भी ये काफी अच्छा काम करता है। अगला प्रोडक्ट है मेलाटोनिन ओरल स्प्रे। देखिए, काफी लोगों को आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है, भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, उसमें हमारी नींद प्रॉपर नहीं आ पाती है। अगर हम हमारी बॉडी भी मशीन है, अगर हम अच्छी तरह से सोएंगे नहीं तो हम अगले दिन सही से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ऐसे में मेलाटोनिन ओरल स्प्रे कंपनी ने निकाला है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। रात को आप ये 3 बार स्प्रे करिए और सुबह को आप जब उठेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे और उससे आप काम में भी ध्यान लगा पाएंगे। अगली कैटेगरी है वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ में सबसे पहला प्रोडक्ट है हेयर स्किन एंड नेल, जो आपके जैसे नाम से आपको लग रहा होगा कि हेयर स्किन और नेल में ग्लो लाने का काम करता है। जिनके बाल झड़ने की शिकायत है, आप हेयर स्किन एंड नेल का कोर्स करिए। ये भी रेगुलरली मैं करता रहता हूँ, जिससे कि बालों में जो हेयर फॉल है वो कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए। और ये एक फायदा और देगा आपको, अगर आपके बाल जल्दी जल्दी सफेद हो जाते हैं तो ये उसकी फ्रिक्वेंसी भी कम कर देगा। आपके बाल जो एक बार सफेद हो गए वो तो रहेंगे ही, लेकिन और आगे नहीं होंगे। और स्किन में ग्लो लेने का काम करेगा और जो हमारे नाखून है उनमें भी ग्लो लाएगा। अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज यू कंट्रोल। देखिए, ओल्ड एज में काफी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार रात में उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे केस में आप यू कंट्रोल लीजिए, उससे जो बार बार जाने की यूरिन बार बार जाने की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम कर देगा और आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। और अच्छी नींद ले पाएंगे तो आपका अगला दिन भी एनर्जी से भरपूर रहेगा। अगला प्रोडक्ट है फोलिक एंड आयरन। देखिए, खून की कमी हो जाती है काफी लोगों को, तो उस या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उस केस में आप फोलिक एंड आयरन दीजिए। ये लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है शताब्दी मैक्स, जिसको
औषधियों की रानी बोला जाता है, और ये लेडीज प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जिससे उनका हार्मोनल लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगला प्रोडक्ट है क्रैनबेरी कैप्सूल। क्रैनबेरी का मतलब है करौंदा। तो देखिए, करौंदे के कैप्सूल जो हमारे कभी कभी यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो क्रैनबेरी ही देते हैं, विद डी मैनोस जो इसमें लिखा हुआ है वो भी देते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो हो सकता है हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम ये प्रोडक्ट किसी को देते ही ना हो। तो यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन के लिए आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रोडक्ट है हारोन कैप्सूल। ये स्पेशली लेडीज के लिए निकाला गया है, जिसमें 11 मिनरल, 13 मल्टी विटामिन और 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट है और 6 अमीनो एसिड है, जो आपको, जो लेडीज को थकान होने लगती है और जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ठीक करने का काम करता है। अगर आप ये रेगुलर लेंगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। अभी तक जो मैंने बताया वो सप्लीमेंट्स है, मतलब अगर कोई बीमार नहीं भी है तब भी आप ले सकते हैं। अब अगली कैटेगरी प्रोडक्ट की है आयुषान, जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो पर्टिकुलर बीमारी में ही लेनी है। तो देखिए, सबसे पहला है ग्लूकोहेल। जैसे मैंने पहले बताया था, जब मैं शुगर वाले सप्लीमेंट्स कवर कर रहा था, अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, मतलब 126 से ज्यादा है, तो आप प्री ग्लूकोहेल्थ और ग्लूकोहेल दोनों दीजिए, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल काफी अच्छा कंट्रोल में आएगा। साथ में आप नीम भी दीजिए, तो जो हाईली डायबिटिक पेशेंट है उनको आप प्री ग्लूकोहेल्थ और नीम दीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन भी लग रहे हैं, वो भी लगने बंद हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे उनकी एलोपैथिक मेडिसिन जो भी चल रही है वो बंद मत कराइएगा। जब टेस्ट अच्छे आएंगे तो वो डॉक्टर अपने आप कर देगा। आपको आयुर्वेदिक चीजें जो हैं, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ देनी है शुरू में। जब रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे तो एलोपैथिक आप बंद करा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है वाइटल कॉम्प्लेक्स, जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। देखिए, हमारे बॉडी में कभी कभी थकान होने लगती है और एक स्ट्रेस सा हो जाता है अंदर, जिससे हमारी बॉडी में जो कोशिका है वो अच्छी तरह से काम नहीं करने लगती, और जो हमारे ऊतक है, मतलब टिश्यूज है, वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप वाइटल कॉम्प्लेक्स लीजिए। इसके लिए कोई बीमारी का आप वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, आप वाइटल कॉम्प्लेक्स लीजिए, आपको एक अच्छा एनर्जेटिक आप फील करेंगे। अगला प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा है तो आप प्रोकार्ड कैप्सूल दीजिए, जिसमें एसडीएल लेवल, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के लिए, उसको ये ज्यादा करता है, और जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको लेवल को कम करता है, और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप ये हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको दे सकते हैं। और अगला प्रोडक्ट देखिए रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें तुलसी, पिपली और अदरक है। और देखिए, जब कोरोना फैल रहा था तब लोग बाग काढ़ा पी रहे थे, जिसमें यही सब होता था, अदरक, पीपली, तुलसी। तो ये रेस्पोकेयर कैप्सूल है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी है, आप ये ले लीजिए। गला सूख रहा है, गले में दर्द है, आप ये ले लीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट आता है। प्लस ये अस्थमा दमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, उनको ये काफी फायदा करता है। गले में सूजन आ गई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें सूजन आ गई है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगला प्रोडक्ट है किडनी हेल्थ। अगर पथरी बन गई है, पथरी का जड़ से ये हटाएगा। जो ऑपरेशन होता है मार्केट में, देखिए ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर, तो उसमें पूरी तरह पथरी नहीं निकल पाती है, और पथरी पैदा करने वाले जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो फिर से पथरी बना देते हैं। अगर आप किडनी हेल्थ लेंगे तो पथरी को जड़ से वो हटा देगा, और जो उसके कीटाणु हैं वो उनको भी हटा देगा, तो बार बार पथरी होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अगला प्रोडक्ट है लिवर हेल्थ। लिवर हेल्थ देखिए हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे काफी कुछ लोगों को जॉन्टिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, या एक लिवर की बहुत ही एक्सट्रीम बीमारी होती है, फाइब्रोसिस, उसमें भी ये काफी अच्छा आराम करता है। अगर हाजमा आपका अच्छा नहीं है तो आप लिवर हेल्थ लीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट आता है। अगला प्रोडक्ट है टॉक्स क्लीन। देखिए, जैसे मैंने डिटॉक्स के प्रोडक्ट के लिए कवर किया था, अगर किसी को
कब्ज की शिकायत है, बहुत ज्यादा कब्ज है, तो आप दिन में टॉक्स क्लीन के 2 कैप्सूल 3 बार, आंवला के 2 कैप्सूल 3 बार और एलोवेरा, ये 3 का कॉम्बिनेशन अगर आप लेंगे, मतलब दिन में आपको 6 कैप्सूल लेने, टॉक्स क्लीन, आंवला और एलोवेरा, तो बहुत अच्छा कब्ज में आराम हो जाएगा और आपको आपका जो अंदर जो क्लीनिंग है, आप अंदर जो टॉक्सिन्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई कर देगा टॉक्स क्लीन, और काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। अगला प्रोडक्ट है प्रोस्टेट केयर। प्रोस्टेट देखिए 40 साल के उम्र के जेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट एक ऑर्गन हो जाता है, ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो एनलार्ज हो जाता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स इसका सर्जरी करते हैं और सर्जरी को रोकने के लिए ये हमारे पास प्रोडक्ट है प्रोस्टेट केयर, जो प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गया है तो वो उसको ठीक कर देता है, किसी को भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 40 साल से ऊपर जो भी जेंट्स हैं उनको प्रोस्टेट केयर शुरू कर देना चाहिए और हर साल एक कोर्स कर लेना चाहिए। तो ये लास्ट प्रोडक्ट था। और देखिए सप्लीमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सही जानकारी हो तो हम उसका प्रॉपरली यूज कर सकते हैं और अपनी टीम में और खुद भी अपनी फैमिली में उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा सेशन यहीं तक था, अब